योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी है। इसी कड़ी में 69,000 शिक्षक भर्ती की तीसरे चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद बाकी बचे 6,696 पदों पर भर्ती होगी। अभ्यर्थियों को आज मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे। दोपहर 12 बजे लोकभवन में यह कार्यक्रम रखा गया है। सीएम योगी मंच पर 10 चयनित अभ्यर्थियों को खुद नियुक्ति पत्र देंगे। इसके अलावा लखनऊ और आसपास के जिलों के 240 और अभ्यर्थियों को लोकभवन में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और इसी के साथ ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ये बड़ी खबर है। हम सीधा आपको लखनऊ ले चलते हैं, इस कार्यक्रम के बारे में भी जानते हैं और दूसरी जानकारी अभी शैलेश से हासिल करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, मुख्यमंत्री ये जो आखिरी चरण की भर्तियां हैं उसके नियुक्ति पत्र खुद देने वाले हैं, कितने लोगों को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देंगे, कौन कौन से लोग होंगे, कितने लोगों की भर्ती हो जाएगी और ये प्रक्रिया अगर समाप्त हो जाएगी तो फिर बहुत सारे प्रश्न पहले से ही खड़े हैं। शैलेश, उनका क्या होगा? राजेंद्र, देखिए 69,000 पदों की भर्ती थी और इसमें से 62,000 से ज़्यादा लोगों की अब तक नियुक्ति हो चुकी है। 6,696 पदों की अगर बात की जाए तो इसमें 1,133 वो पद हैं जो ST श्रेणी के थे लेकिन इसके लिए अभ्यर्थी नहीं थे, जिसके बाद इनको कन्वर्ट किया गया और SC से इनको भरा गया। इसके अलावा अगर बात करें तो जो बाकी के रिक्त पद हैं वो भी अलग अलग श्रेणी के खाली रह गए थे, उनको भी बाद में एक वेटिंग लिस्ट जो थी उसको निकाल कर इनको जो चयनित सूची थी अभ्यर्थियों की जारी की गई, अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई गई और आज इन लोगों की यहाँ पर नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। लखनऊ में जो आयोजन होगा लोकभवन सभागार में, उसमें कुल 250 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है लखनऊ और आसपास के जनपदों के, जिसमें से 10 को नियुक्ति पत्र खुद मुख्यमंत्री देंगे मंच पर बुलाकर, बाकी 240 लोगों को लोकसभा के सभागार में ही दिया जाएगा। और इसके अलावा जो लोग हैं इन 6,696 में, उनको अपने अपने ज़िले में जो जनप्रतिनिधि हैं जो वहाँ के लोग हैं वो नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। देखिए, जो आपने एक बात की बहुत अहम है कि इस भर्ती में एक तरफ आरक्षण घोटाले को लेकर लोग आरोप लगाते हुए हंगामा बवाल कर रहे हैं, कल भी अगर बात करें तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गए थे और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनसे मुलाकात की थी, इससे पहले प्रियंका गांधी से मिले थे, कई बार इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। फिलहाल ये कह सकते हैं कि आज जब ये भर्ती पूरी हो जाएगी तो इन चीज़ों पर कहीं ना कहीं एक तरह से विराम लग जाएगा सरकार की तरफ से और स्पष्ट हो जाएंगी सब चीज़ें कि बस अब आगे इस भर्ती प्रक्रिया में और कोई कोर कसर उम्मीद बाकी नहीं है। यानी अब जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी कह सकते हैं एक तरह से अगली भर्ती का इंतज़ार करने का ही एक रास्ता रह जाएगा और ऊँची की एक आस रह जाएगी। बहरहाल, अगर अभी तक की हम भर्ती की बात करें तो देखिए 62,000 से ज़्यादा लोगों की भर्ती हुई है, काफ़ी लंबा समय लग गया इस भर्ती को पूरा करने में क्योंकि पहले एक कोर्ट में फंसी रही, उसके बाद 2020 की अगर बात करें तो उस समय जब शुरू होने वाली थी तो जून में जैसे ही जिस दिन काउंसलिंग का दिन आया, शुरुआत होनी थी उसी दिन फिर कोर्ट में मामला चला था, कोविड काल भी चल रहा था, तो चीज़ें कहीं ना कहीं देखिए डिले होती गई और अब जाकर आखिरकार 2019 की ये भर्ती और देखिए अब 2021 आ चुका है, अब जाकर ये भर्ती पूरी होने के कगार पर है। आज इसमें वेटिंग लिस्ट के बाद जो लोग चयनित थे उन सबको रिक्त पदों के लिए नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। यानी एक तरह से जहां 6,696 प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा तो वहीं प्रदेश के जो प्राथमिक स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, जहां उस तबके के बच्चे पढ़ते हैं जो कह सकते हैं बहुत निर्धन है और अच्छे कॉन्वेंट महंगे स्कूलों में नहीं जा सकते, वो निर्भर होते हैं इस सिस्टम पर, ऐसे में यहाँ पर जब 6,696 नए शिक्षक मिलेंगे निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षकों की जहाँ पे कमी होगी वो दूर हो सकेगी, इन बच्चों की जब स्कूल खुलेंगे क्योंकि अभी कोविड काल है, जब स्कूल खुलेंगे उनकी पढ़ाई बेहतर हो सकेगी तो एक तरफ रोज़गार भी मिलेगा, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा भी मिलेगा। काफ़ी अहम है ऐसे में ये भर्ती और बिल्कुल ये होगा क्योंकि ये भर्ती तो देखिए आज पूरी हो जाएगी, अब देखना ये होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है और जो और पदों की बात की जा रही है उस पर क्या सरकार निर्णय लेती है, लेकिन एक बात तय है कि आरक्षण के जो आरोप लगाए जा रहे हैं और आरक्षण घोटाले के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो अभ्यर्थी अब क्या करने वाले हैं ये भी देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। शैलेश, हमारे साथ बने रहिए। शैलेश, आपसे आगे भी बात करेंगे।